दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आपको इंडियन रेलवेज यानी कि भारतीय रेल की किसी भी ट्रेन में कैसे आपको जनरल ट्रेन टिकट अपने मोबाइल फोन से बुक करना है। और बहुत सारे लोग जनरल जो ट्रेन टिकट होती है उसको चालू टिकट ही बोलते हैं और इसको जो है अनरिजर्व टिकट भी बोला जाता है। दोस्तों जब से टेक्नोलॉजी आई है ना तब से बहुत सारी चीजें बहुत ही आसान हो चुकी है। अब आपने देखा होगा बहुत बार जब भी आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर यार बहुत ज्यादा लंबी लाइन पड़ती है वो भी एक ट्रेन टिकट बुक करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों इसके हमारे दो सबसे बड़े नुकसान हैं। सबसे पहला नुकसान है कि जब भी हम लाइन में लगाकर ट्रेन टिकट बुक करवाते हैं तो यार वहां पर टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इसके अलावा दूसरा यहां पर नुकसान जो होता है कि गाइस कभी-कभी ना हम बहुत जल्दी में होते हैं और हमारी ट्रेन जल्दी आ जाती है। उस कंडीशन में जब हम लाइन में रहते हैं तो कभी-कभी हमारी जो ट्रेन है वो भाई हमसे छूट जाती है। तो इस कंडीशन में भाई आप ना सबसे कमाल का तरीका ये है कि आपको अपने मोबाइल फोन का यूज करना चाहिए ट्रेन टिकट बुक करने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवेज की बेसिकली दो एप्लीकेशन है मोबाइल ऐप जिसके थ्रू आप ट्रेन टिकट बुक करवा सकते हैं। सबसे पहला जो ऐप है वो है IRCTC कनेक्ट ऐप और इसके थ्रू गाइस आप ना अपने लिए रिजर्वेशन टिकट बुक करा सकते हैं। यानी कि मान के चलो मुझे ऋषिकेश से कटरा जाना है वैष्णो माता के दर्शन करने, तो उस कंडीशन में जिस दिन मुझे जाना है उससे पहले मैं 120 दिन पहले मैं अपना टिकट कभी भी बुक करा सकता हूं। और दूसरा तरीका है यहां पर बुक करने का वो है गाइस UTS ऐप। दोस्तों UTS जो ऐप है ना इसके थ्रू आप ट्रेन में जो है जनरल टिकट बुक करा सकते हैं, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म टिकट भी आप बुक करा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो भी आप जनरल टिकट या चालू टिकट बुक करते हैं इस कंडीशन में आप जो है जो भी यहां पर AC कोच होते हैं या स्लीपर कोच होती है वहां पर आपको बिल्कुल भी टिकट नहीं मिलता है, बल्कि आपको जो है जनरल डिब्बे में जाना होता है जब भी आप यहां से जो है चालू टिकट यानी कि जनरल ट्रेन टिकट बुक कराते हैं। तो चलिए यार बात करते हैं काम की कि कैसे आपको जनरल ट्रेन टिकट बुक करनी है। तो इसके लिए अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में। अगर आप जो है आईफोन यूजर हैं तो आपको जाना है ऐप स्टोर में। अभी हम आईफोन यूज कर रहे हैं, ऐप स्टोर हमने ओपन कर लिया है। अब हम यहां पर सर्च करेंगे UTS। सर्च करते ही आपके सामने ये वाला जो ऐप है ना आप इसका लोगो देख लो, इंडियन रेलवे लिखा हुआ है रेलवेज, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इसका लिंक हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे और इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आएगा। आप यहां पर जितनी परमिशन मांगता है आप सभी को यहां पर अलाउ कर देना, हमने अलाउ कर दिया है। सबसे ऊपर आप देखेंगे राइट साइड में एक लॉगिन का ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर ध्यान रखेंगे कभी-कभी लॉगिन का ऑप्शन ना ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मिल सकता है फ्यूचर में, बिकॉज ये एप्लीकेशन ना बीच-बीच में अपडेट होता रहता है। तो ये ऑप्शंस हो सकता है कि आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि आप इसको लॉगिन करिएगा, तो लॉगिन करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड एंटर कर लेंगे अगर आपने पहले यहां पर जो है अपना अकाउंट बनाया था। इसके अलावा दोस्तों आप अपने मोबाइल नंबर से भी इसको डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली यहां पर क्लिक करना है दूसरे वाले ऑप्शन पे विद OTP। जैसे आप विद OTP पे क्लिक करेंगे अब आपको ना इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहां पर नीचे करेंगे जनरेट OTP, ठीक है। जनरेट OTP करते ही UTS एप्लीकेशन की तरफ से आपके पास जो है एक OTP मैसेज आएगा, वन टाइम पासवर्ड। तो उस OTP को आपको यहां पर फिल अप करना होगा। तो चलिए मैं यहां पर लाइव आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा वेट करूंगा। अब यहां पर हमारा OTP आ चुका है 0056। तो हमने OTP फिल अप कर दिया है, अब हम करेंगे लॉगिन। लॉगिन करते ही यहां पर देखिएगा हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें जो है टिकट बुक करनी है, तो टिकट अलग-अलग टाइप्स की टिकट यहां पर आपको नजर आएगी, जैसे कि जो है जनरल टिकट है, इसके अलावा QR बुकिंग है, क्विक बुकिंग है, प्लेटफॉर्म टिकट है और सीजन टिकट है। अब गाइस जैसे अगर आप डेली जो है ट्रेन में सफर करते हैं तो अगर आप सिंगल टिकट बनाएंगे बहुत महंगा पड़ता है, तो आप पूरा महीने का पास भी बनवा सकते हैं। यानी कि इसको हम जो पास बनता है मंथली उसको हम सीजन टिकट भी बोलते हैं। तो कैसे आपको मंथली सीजन टिकट बुक करना है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको जाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बाद में उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी हमें जो है सिंपली यहां पर जो चालू टिकट बुक करना है जिसको हम जनरल टिकट भी बोलते हैं। तो यहां पर जो है जनरल टिकट पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा किस टाइप की आपको बुकिंग करनी है। तो यहां पर दो ऑप्शन है बुकिंग करने के। सबसे पहला है कि पेपरलेस, यानी कि आपको यहां पर जो है प्रिंट आउट नहीं निकालना है यहां पर टिकट का, और दूसरा ऑप्शन है पेपर वाला। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेपरलेस वाला टिकट बुक करते हैं ना तो आप रेलवे स्टेशन के पास होने चाहिए तभी आप बुक कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप रेलवे स्टेशन से दूर रहेंगे तो भाई आपकी टिकट बुक नहीं हो पाएगी, इसमें प्रॉब्लम आती रहती है। हालांकि दोस्तों मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप पेपरलेस टिकट बुक करा सकते हैं, अगर आपको जाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बाद में उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो अभी हमें बुक करना है पेपर वाला टिकट, ठीक है। अभी मैं आपको भी बताऊंगा कि प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं। तो सिंपली यहां पर क्लिक करेंगे बुक
एंड प्रिंट पेपर, जैसे आप क्लिक करेंगे अब देखिएगा यहां पर आ चुका है कि भाई यहां पर लिखा हुआ कुछ गाइडलाइंस कि आपका जो टिकट है ना वो आपको प्रिंट आउट करना पड़ेगा रेलवे स्टेशन से, यहां पर बताया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखिएगा डिपार्चर फ्रॉम, यानी कि आपको कहां से टिकट बुक करनी है, आप क्लिक करेंगे स्टेशन पे। अब यहां पर आप स्टेशन का नाम एंटर करेंगे, जैसे अभी हमें हरिद्वार से ट्रेवल करना है यानी कि टिकट बुक करनी है, हरिद्वार जंक्शन आ चुका है, HW ये कोड है ठीक है स्टेशन का, हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर हमें कहां जाना है, जहां भी आपको जाना है, जहां तो यहां पर गोइंग टू में आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर जैसे हमें लखनऊ जाना है तो हमने लिखा लखनऊ, तो ये आ चुका है LKO, इसके आगे जो दिख रहा है ना आपको शॉर्ट फॉर्म में, ये एक ना स्टेशन का कोड होता है। तो हम यहां पर लखनऊ जंक्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब हमने ना कहां से हमें जाना है और कहां ट्रेवल करना है हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें चेक करना है इसका किराया कितना है, तो नीचे देखिएगा गेट फेयर, जैसे आप गेट फेयर पर क्लिक करेंगे आप इसको ओके कर देंगे ठीक है। यहां पर कुछ बताया जा रहा है कि आपको प्रिंट आउट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर पूछ रहा है कि आपको पेमेंट कैसे करनी है, इसका टिकट का जो किराया है 160 रुपए है ठीक है। तो यहां पर हमें पेमेंट करना है वॉलेट के थ्रू, तो हमें नहीं करना, तो अभी हम गूगल पे फोन पे पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको यहां पर जो है अदर पेमेंट को सेलेक्ट करना है, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने लोगों की टिकट बुक कर रहे हैं। अगर आप सिंगल पर्सन है तो आप इसको एक रहने देंगे, अगर आप एक से ज्यादा लोगों की टिकट बुक करना चाहते तो आप यहां पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे ठीक है। तो यार अभी मैंने आपको दिखाने के एडल्ट में 4 कर दिए हैं, हालांकि मैं फिलहाल सिंगल पर्सन का टिकट बुक कर रहा हूं, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा का टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको यहां पर जो है प्लस पे क्लिक करना होगा। और याद रखिएगा एक बार में आप 4 लोगों की टिकट बुक करा सकते हैं ठीक है। तो उसके अलावा बच्चे कितने हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कुल मिलाकर आप बच्चे और छोटे मिलाकर आप जो है 4 टिकट से ज्यादा बुक नहीं करा सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो आप यहां पर जो है एंटर कर लेना, अगर नहीं है तो आप इसको 0 करना। तो फिलहाल तो मुझे एक ही पर्सन की टिकट बुक करनी है, मैंने इसको एक रखा हुआ है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर जो है बाकी चीजें आपको कुछ नहीं छेड़नी है। नीचे आप देखेंगे ट्रेन टाइप, तो आप क्लिक करेंगे ट्रेन टाइप पे, और यहां पर जो है मेल है एक्सप्रेस है, यानी कि जो है मेल और एक्सप्रेस जो ट्रेन होती है ना उसमें जनरल के डिब्बे होते हैं, उसी में आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सुपर फास्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई ट्रेन ऐसी है जिसमें जनरल का डिब्बा है और वो सुपर फास्ट है, तो उसका भी आप टिकट बुक करा सकते हैं और ऑर्डिनरी का भी कर सकते हैं। हालांकि मैं यहां पर सबसे बेस्ट तरीका है मेल और एक्सप्रेस, तो इसके वो मैं रहने दूंगा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं छेड़ना है। आप नीचे देखेंगे टोटल की कहां से आपने जो है ट्रैवल और कहां जाना है, आप इसको एक बार चेक कर जरूर कर लेना। और यहां पर सारी चीजें हैं और यहां पर टोटल फेयर है, यानी कि टोटल किराया 160 रुपए है। अब यहां पर दोस्तों आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो अगली ट्रेन है वो कितने बजे आने वाली है, तो नीचे आप देखिएगा नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेन्स फॉर द शेड्यूल रूट, आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिएगा अगली जो ट्रेन है वो है भाई 4 घंटे बाद, और कहां से कहां जाएगी वो सारे की सारी डिटेल्स आपको यहां पर नजर आएगी ठीक है। तो हम इसको बैक करते हैं वापस। अब याद रखिएगा कि आपको टिकट बुक करने से पहले ये पता करना जरूरी है कि जो आप ट्रेन पे आप ट्रेवल कर रहे हो ना वो कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है, कितने बजे आ रही है। तो उसके लिए दोस्तों आप जो है एक एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, वेयर इज माय ट्रेन, वो बहुत ही अच्छी ऐप है, वो आपको सबको बताती है कि कौन से प्लेटफॉर्म में ट्रेन आएगी, कितने बजे आएगी, सब चीज आपको दिखाई देगा वहां पर ठीक है। तो अभी हमें बुक करना है, तो बुक टिकट पे आप नीचे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट आप कैसे करेंगे, तो यहां पर पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं और मोबिक्विक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो भाई हम यहां पर पहला वाला ऑप्शन को चूज करेंगे पेटीएम, और यहां पर टोटल है 160 रुपए, तो नीचे हम करेंगे पे। जैसे आप पे पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा आप यहां पर वेट करेंगे, वेट करने के बाद दोस्तों आप ना चाहे तो डायरेक्टली जो है गूगल पे फोन पे का UPI ID भी यहां पर डाल सकते हैं यहां पर देखिएगा, और चाहे तो आप डायरेक्टली पेटीएम से अपना मोबाइल नंबर लॉगिन करके भी यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम दूसरे वाले ऑप्शन को UPI को सेलेक्ट करते हैं, UPI हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहां पर पूछ रहा है कि आप अपना UPI ID यहां पर एंटर कर लीजिएगा ठीक है। तो चलिए हम यहां पर पेटीएम को ओपन करते हैं। अब यहां पर देखिएगा होम पेज पर आपको नजर आएगा UPI ID, तो जिस भी एप्लीकेशन का आप यूज कर रहे हैं ना गूगल पे फोन पे पेटीएम उसके होम पेज पर ही आपको आपका UPI ID नजर आएगा, उसको आप कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहां पर आप इसको पेस्ट कर देंगे ठीक है। तो मैं यहां पर पेस्ट कर लेता हूं, यहां पर हमने एंटर कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे आगे वेरीफाई, जैसे आप वेरीफाई करते हैं ना आप देखिएगा यहां पर वेरीफाई हमारा हो चुका है, अब करेंगे प्रोसीड। अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे, अब आपको ना पेटीएम ऐप को यहां पर ओपन करना है दोबारा से। तो यहां पर हम पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, तो पेटीएम ऐप को हम दोबारा ओपन करेंगे। अब यहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है भाई 160 रुपए पेमेंट करने का, तो आप यहां पर पे करेंगे। जैसे आप
आप पे कर देना, यहाँ पर आपको दोबारा से पे करना है। अब आपका जो भी यहाँ पर यूपीआई पिन है उसको आप एंटर कर लेना। तो हमने अपना यूपीआई पिन एंटर कर लिया है और पेमेंट डन कर दिया है और देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम वापस यहाँ पर यूटीएस ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी हमारा जो है टिकट जो है प्रोसेसिंग में है, आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ पर आपका इस तरीके से आ जाएगा, आप इसको यस करेंगे। जैसे हम इसको यस कर लेते हैं और ओके करते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर हमारा जो टिकट है ना वो सक्सेसफुली बुक हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा टिकट है ना इसका अभी हमें प्रिंट आउट भी निकालना होगा। इसके अलावा दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से आपके पास जो एक एसएमएस भी आता है इस तरीके से, और यहाँ पर आपका बुकिंग आईडी नंबर होता है, ये आपके बड़े काम आएगा। तो चलिए दोस्तों अब आपको जाना है यहाँ पर जो है प्रिंट आउट मशीन में। अभी हम आ चुके हैं एटीबीएम मशीन में, और दोस्तों ये जो मशीन है ना ये रेलवे स्टेशन पे ही आपको मिल जाती है। और रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रिंट मोबाइल टिकट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना होगा जिसमें नंबर से आपने बुक किया था। उसके बाद जो भी आपका बुकिंग आईडी है उसको भी आप एंटर कर लेंगे। जो आपको बुकिंग आईडी एसएमएस में आती है 3 नंबर का होता है, उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर जो है टिकट प्रिंट होकर आ जाएगी। दोस्तों यूटीएस ऐप से जब भी आप पेपर टिकट बुक करवाते हैं तो आपको 2 बातों का पता होना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि अगर मान के चलो कि आपको किसी कंडीशन में अपने टिकट को कैंसिल करवानी है, तो उस कंडीशन में आप रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाएंगे, वहां से आप कैंसिल करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है रद्दीकरण शुल्क लागू होता है, यानी कि कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। दूसरी बात यह कि पेपर टिकट की छपाई के बाद यात्रा 1 घंटे के भीतर शुरू होनी चाहिए। मान के चलो आपने 2 घंटे पहले अपने मोबाइल फोन से जो है टिकट बुक करी थी, लेकिन दोस्तों जो आपका काउंट जो टाइम होगा वो तब से होगा जब आप मशीन में जाकर प्रिंट आउट निकलवाओगे, उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो है टाइम शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं मशीन से, उसके बाद आपको 1 घंटे के अंदर अंदर जो है किसी भी ट्रेन में आपको ट्रेवल करना है जिस भी ट्रेन का आपने जो है टिकट यहाँ पर बुक करवाया था। यानी कि जैसा कि मेल एक्सप्रेस हो गया, तो जो भी उस रूट पे मेल एक्सप्रेस ट्रेन होगी आप किसी भी ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं, बट 1 घंटे के अंदर अंदर आपको करना होगा। हालांकि दोस्तों जो इनका कस्टमर केयर नंबर है 139, वहां पर जाके मैंने कॉल किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जो है अगर आपका जर्नी जो है 200 किलोमीटर से कम की है तो आपको जो है उस कंडीशन में 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, लेकिन अगर आपका जो है दूरी 200 किलोमीटर से ज्यादा की है तो उस कंडीशन में आप 3 दिन पहले जो है टिकट को यहाँ पर बुक करवा सकते हैं और प्रिंट करके आप ट्रेवल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फोन से जनरल ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।